युद्ध के बीच रूस शुरू कर रहा है न्यूक्लियर ड्रिल। रूसी न्यूक्लियर ड्रिल ग्रोम पर पूरे पश्चिम की नजर है। न्यूक्लियर एक्सरसाइज में शामिल होंगी ICBMs और SLBM और साथ ही बॉम्बर लॉन्चर्स भी ड्रिल में शामिल होंगे। G20 की बैठक से पहले रूस का ये न्यूक्लियर संदेश है और इससे पहले भी रूस ने व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है नाटो कंट्रीज को, वेस्टर्न कंट्रीज को और साथ ही अमेरिका को भी कि अगर इसी तरीके से यूक्रेन की मदद करते रहे ये देश तो फिर न्यूक्लियर अटैक का अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहे। और आइए रूसी न्यूक्लियर ड्रिल से जुड़े कुछ और खास फैक्टर्स को हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि आखिर पुतिन की न्यूक्लियर ड्रिल क्यों हुई है। ये देखिए इंफॉर्मेशन वॉल पर सारी डिटेल्स आपके सामने है। रूस ने अपने सालाना न्यूक्लियर ड्रिल की यूएस को दी है जानकारी और क्या खासियत है, क्यों है खास, जानकारी देने में देरी कर रहा था रूस लेकिन अब जाकर के बताया गया है। ड्रिल से पहले औपचारिक तौर पर इसकी जानकारी देनी होती है, ऐसा क्यों है? वजह इसकी यह है कि इसके लिए एक स्टार्ट नाम का समझौता हुआ है और इसी वजह से ये बताना जरूरी भी है। न्यूक्लियर ड्रिल से यूएस और उसके सहयोगियों को जवाब देने की तैयारी में है रूस। वजह क्या है? नाटो भी न्यूक्लियर ड्रिल कर रहा है और ऐसे में रूस को भी इसके लिए तैयारी करनी जरूरी है। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका को यह डाउट है कि ड्रिल के दौरान मिसाइल टेस्ट कर सकता है रूस। इसकी वजह साफ है, वॉर फ्रंट पर रूस एक प्रेशर में है, प्रेशर चारों तरफ से क्रिएट किया जा रहा है और इसीलिए रूस की मजबूरी है न्यूक्लियर ड्रिल करना इन परिस्थितियों में। एक और इंफॉर्मेशन ये कि पश्चिमी सोर्सेज ने कहा है कि रूस की किसी भी चुनौती के लिए हम तैयार हैं। स्ट्रेटजी क्या है? रूस को संदेश देना चाहता है पश्चिमी देश और इसीलिए ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं। इस बीच एक और बड़ी डेवलपमेंट ये, रूस यूक्रेन जंग के बीच पोलैंड के PM का हैरान करने वाला बयान सामने आया जिसमें वो कहते हैं रूस के सामने यूरोप है कागजी शेर, यूरोप पुतिन को रोकने में नाकाम रहा है। ये बड़ा बयान और हैरान करने वाला बयान पोलैंड की ओर से सामने आया है। और आइए पोलैंड के PM का वो बयान आपको सुनवाते हैं जो यकीनन पूरे पश्चिम को परेशान करने वाला है।